क्या मतलब है मियाँ आपका, क्या 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 रही हैं? तुम्हारे अब्बा हमेशा कहते रहे कि गुलाम रसूल भाई ये जो सालों से दूसरी शादी की धमकी देते आ रहे हैं आपा को, ये आखिर दूसरी शादी कर क्यों नहीं लेते? वो सिर्फ इसलिए कि अगर दूसरी बीवी में से भी औलाद ना हुई तो बात खुलकर सामने आ जाएगी कि नुक्स आपा में नहीं बल्कि खुद उनमें है। अब अल्लाह जाने हकीकत क्या है, जब मरने वाले का पर्दा अल्लाह ने रख लिया तो हम फिर बात को क्यों खोलें। लेकिन मंसूर, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बारे में भी लोगों की यही राय, इसलिए बेटा जितनी जल्दी हो सके तुम तो अपने सारे टेस्ट करवाओ। जी नाजिया, तुम्हारी माँ की भी तो यही ख्वाहिश होगी कि वो तुम्हारी गोद हरी देखे, ये फितरी बात है। जब इसकी ख्वाहिश पर तुम्हारा खून नहीं खोलता तो तुम मेरी बात का भी बुरा मत मानो। बेटा मैं तुम दोनों को हंसता बसता देखना चाहती हूँ, खुशबाश देखना चाहती हूँ, बस। अगर मैं तुम्हें देखती नहीं तो तुम तो उसको ड्रॉप करके वापस जा रहे थे। तुमने खुद तो कहा हुआ है कि तुम्हें यहाँ पे मिलना अच्छा नहीं लगता। ओ, कितनी सारी बातें मानते हो मेरी, कितने अच्छे हो। बाइक पर चिपक कर उसको लेके आए हो ना, कैसे बैठे हुए थे दोनों बिल्कुल जोड़ के। क्या हो गया रोशनी, बाइक पे और कैसे बैठते हैं? छुट्टी वाला दिन है, सबको कहीं ना कहीं बाहर जाना होता है, नहीं थी गाड़ी इसलिए बाइक पे आ गया। अच्छा यार ये छोड़ो गिले शिकवे प्लीज, पहले ही परेशान। अब क्या हुआ यार, बस तुम्हारी बातें जहन में चल रही थी कि घर वालों के दिल में जगह बना रही है और मेरी बारी आएगी कुछ डिमांड करने की तो सारे इसकी तरफदारी करेंगे। रात को मौका पाते ही मैंने माहीन क्या क्या कर दिया, बोलो ना। अरे बोल क्यों नहीं रहे, बोलो। आहिस्ता रोशनी, क्या हो गया बता रहा हूँ। मैं सुन रही हूँ तुम बोलो। अम्मी से बातें कर रहा था इसके बारे में, इसकी बुराई कर दी तो डांट पड़ गई। उन्होंने कहा क्या औरतों वाली हरकतें कर रहा हूँ। शुक्र, मैं तो पता नहीं समझ थी कि क्या हो गया। मोनस, मोनस जी, जी इधर आओ। जी माँ। बुला के लाओ उन्हें, खाना लगा रही हूँ मैं। कर क्या रही है उस वक्त से वो ऊपर? रोशनी आई थी उसे लेके ऊपर चढ़ गई, लगता है माँ से नहीं अपनी सहेली से मिलने। उमर भी उस वक्त से ऊपर ही है, भला उन दोनों के बीच उमर का क्या काम है? मैं देखता हूँ। उमर आ जाओ भाई, खाना ठंडा हो रहा है। मेरा फोन, चलो। सुनिए, खाना खाकर जाना ना। माही कहो ना अपनी सली से। नहीं बस मुझे मिलना था, मिल लिया, पेट भर गया है मेरा, चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, खाना तो खा लो। नहीं मैं बाद में खा लूंगी, अभी मैं चलती हूँ। तुम बैठो, तुम तो खाना खाओ। अल्लाह हाफिज़।